अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको ग्रीन चाय की रेसिपी देने लगे हैं, सब्ज पत्ती के कहवे की। आपकी जुबान में क्या कहते हैं हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो आज हम बना रहे हैं सब्ज चाय का कहवा। तो उसके लिए हमने ये रख दिया है जी पानी। पानी गर्म हो चुका है, इसमें सबसे पहले हम जो है सौंफ को शामिल करेंगे। तो ये हम सौंफ इसमें शामिल कर रहे हैं। ये आप जो है हाफ टी स्पून ले लें। ये हमने सौंफ शामिल कर दिए हैं। ये है जी लेमन ग्रास। ये देखिए, लेमन ग्रास से वेट लूज होता है, खाना हजम होता है। तो ये अब हम कुछ जो है लेमन ग्रास के इस तरह पीस लेके ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हम ना थोड़ा सा और लेमन ग्रास भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये चला गया इसमें लेमन ग्रास। ये वेट लूज के लिए बेस्ट है। अब हम आपको दे रहे हैं जी ये सब्ज इलायची के बारे में रेसिपी भी। देखिए, ये हमने इसको ब्रीक पीस लिया था, इससे बहुत अच्छा जायका निकल के आता है। ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। ये देखिए, डपाल ग्रीन टी जो करे कमाल। जैसे आप लोग हैं कमाल के, वैसे ग्रीन टी भी कमाल की है। तो ये देखिए, आपकी आपी आपकी बाजी जान आपके लिए कितनी अच्छी जो है ग्रीन टपाल टी लेके आई हैं, जो जैस्मीन के फूलों से बनाई गई है। तो ये जाएगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट आखिर में। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसमें जितनी चीज़ें थी हमने सुट पुट दी हैं, इसको हम कर देते हैं ऊपर से बंद। ये हम उठाते हैं इधर से प्लेट। और चीनी तो डालना हम भूल गए हैं। चीनी भी आप अपने जायके से शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बहन जब आपसे बातें कर रही होती हैं तो वो बहुत मगन हो जाती हैं आप लोगों में। तो ये देखिए, हमने ये अपने हसबे जायका ज़रूरत के हिसाब से चीनी इसमें शामिल कर दी है। और अब हम इसको कर देते हैं बंद। और जब ठीक 5 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। तो ये अब हम देखते हैं, माशाल्लाह बहुत आला, बहुत ही शानदार। ये देखिए कितना अच्छा कलर कावे का निकल के आ चुका है। ग्रीन टी, सबस कहवा, ये देखिए लेमन ग्रास का और सौंफ का। हमने जो है इसमें सौंफ, लेमन ग्रास, सबज इलायची और चीनी डाली थी, और इसको उबलने के लिए हमने छोड़ दिया था। ये अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से बहुत आला शानदार कावा उबल कर अब रेडी हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें जो डालते, ये हम जो है डिपाल ग्रीन टी इसमें शामिल करेंगे, जैस्मीन के फूलों से बनी हुई है। तो इसको हम कितना डालते हैं मिकदार में, ये भी आप देख लीजिए। ये इतना हमने इसको मिकदार में शामिल कर देना है। ये देखिए इतनी मिकदार हमने शामिल कर देनी है पत्ती ग्रीन टी, ये हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हमने इसको एक दो दफ़ा इस तरह चाय फैंट की मदद से हिलाना है। ये देखिए, अच्छे तरीके से इसको हिलाना है ताकि इसमें जायका खुशबू कावे के अंदर रच बस जाए। इस तरह आप करेंगे तो आपका कहवा काला भी नहीं होगा। जो पत्ती पहले डाल देती हैं माएँ बहनें, और वो सारा कहवा काला हो जाता है, उसको पीने का दिल नहीं करता। ये सबज सबज ही रहेगा। ये हमने इसके अंदर इसको डाल दिया, और अब हमने कर देना है चूल्हे को बंद, और 2 मिनट इसके ऊपर रख देनी है प्लेट। कावा हमारा उसी तरह ही रहेगा और ग्रीन ग्रीन रहेगा, ठीक है। अब हम इसको जो है उठाएंगे प्लेट को, और इस कप के अंदर हम कहवा निकाल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने पौना भी इसके ऊपर रख लिया है। आप पौने को क्या कहते हैं हमें लाजमी बताइएगा। ये हम ने ये इसको फिर हिलाया, हिला के ये देखिए कावा ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से आप जब बनाएंगे ना, जिस तरीके से आपकी आपी बना रही हैं, तो कहवा आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, ग्रीन टी कभी नहीं ख़राब होगी। ये लेमन ग्रास भी इसमें डला है। तो ये देखिए कहवे की शक्ल चेक करिए, कहवा ग्रीन टी। ये बाकी हम जो है इसको बंद करके रख देते हैं। ये आपको दिखाते हैं ग्रीन टी की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए अल्लाह हाफिज़।